हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चुनावी माहौल है और राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही है। राहुल गांधी की इस योजना पर राय जानने फरीदाबाद के युवाओं के बीच हमारे संवाददाता राजा पटेल पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूनतम आय योजना की शुरुआत की है, गरीब वोटरों को लुभाने की कोशिश राहुल गांधी ने यहां पर की है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में वोटरों को लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस घोषणा के बाद कितना फर्क युवाओं को पड़ा है, क्या वाकई में ये जो चुनावी वादा है क्या वो पूरा कर पाएंगे। आइए युवाओं से बात करते हैं। सर, जहाँ तक गरीब है, गरीब आज के टाइम पे पैसे का नहीं रोजगार का भूखा है। बेरोजगार इतने हो गए हैं युवा कि वो रोजगार ढूंढने जाते हैं कंपनियों में, चाहे किसी भी प्रकार की जॉब हो, क्योंकि पैसे देने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। इससे तो कोई नौकरी नहीं करके अपने घरों में ही बैठेगा, क्योंकि उसको पैसा वहाँ पर मिल रहा है पूर्ण रूप से, फिर वो क्यों काम करेगा। इंदिरा गांधी जी ने भी ये इरादा दिया था 1971 में गरीबी हटाओ का, क्या गरीबी हटी क्या? ये कांग्रेस का चुनावी स्टंट है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ गरीब को मजबूत बनाने की नहीं मजबूर बनाने की कोशिश है, क्योंकि आप 6,000 रुपये तो दे देंगे पर मंथ में, लेकिन उससे क्या होगा कि वो काम नहीं करेगा। वो कहेगा हर महीने 6,000 तो मिल ही रहे हैं मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है। और वैसे भी ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, इससे हमारे देश पे कर्जा भी बहुत बढ़ जाएगा। इस तरह की योजना से कभी देश का विकास नहीं हो सकता। अगर देश का विकास करना है तो देश के नौजवानों को रोजगार की ज़रूरत है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सशक्त बनाने की ज़रूरत है, उनको कुशल बनाने की ज़रूरत है, उन्हें भीख नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये जो लॉलीपॉप है, मैं चाहता हूं कि ये लॉलीपॉप सिर्फ राहुल गांधी चूसें, हमें इस देश को इस लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारे देश में कितने गरीब हैं, आज भी यही बात करते हैं गरीबी हटाएंगे। आज से 10 साल बाद भी कांग्रेस यही बात करेगी कि गरीबी हटाएंगे, वो 6,000 की जगह 7,000 कर देंगे, लेकिन इससे कहीं देश का विकास होगा क्या? ये लॉलीपॉप हमारे देश को ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमारे पास डिग्री है बट हमारे पास जॉब नहीं है, हमें जॉब चाहिए, पैसे से हमें क्या मिलेगा, आज है कल नहीं है तो हमारी ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। 72,000 रुपये सालाना वो दे रहे हैं, इसका मतलब 6,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं, तो 6,000 प्रति माह पे किसी का घर चल सकता है क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 6,000 रुपये में वो क्या बताना चाहते हैं कि 6,000 रुपये दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। अल्टीमेटली 6,000 रुपये देने के बाद जब वो घूम फिर के वो कौन थम्पे लगने वाली है, जो कर्जा हम पे बढ़ेगा उससे क्या होगा, ये चीज़ें महंगी होंगी, अल्टीमेटली घूम के हम पे ही आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि रोज़गार दिया जाए जिससे सबके सब अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें किसी के सामने 6,000 रुपये लेने की जरूरत नहीं किसी से। वोट लेने के स्टंट हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, और जब इलेक्शन जाते हैं तो उनके वादे भी इनकी तरह चले जाते हैं। तो ये युवा थे जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी, जो कि इलेक्शन का समय है, लोकसभा इलेक्शन नजदीक है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो गरीब लोगों की योजना के बारे में सोचा है, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज़।